गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। कल हमने आपको हिंदी सुलेख के बारे में बताया था कि कैसे आप अपने सुलेख को अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे जो आप अपने सुलेख को जो है आकर्षित बनाएंगे, यानी कि कैसे जो आपका सुलेख है काफी मतलब कि सुंदर लगेगा देखने में, उसके तरीका के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज जो है हम लोग दूसरा नंबर जो है टिप्स देखेंगे कि आप कोई भी हिंदी की राइटिंग जब लिखते हैं, विशेष रूप से अक्षर या वर्णों को जब आप लिखते हैं, तो किसी भी अक्षर या वर्ण को लिखने के बाद अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं कि अक्षर या वर्ण तो लिख देते हैं लेकिन उस अक्षर या वर्ण के ऊपर जो है शीर्ष रेखा देना भूल जाते हैं। उनका लिखावट अच्छा होते हुए भी जो है वे पूर्ण रूप से जो है उनका लिखावट अधूरा हो जाता है, कारण कि वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिखावट में गलती कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और जो आपको लिखा हुआ है वहाँ पे जो शीर्ष रेखा कहाँ पे पड़ता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे क लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे ख लिखा, तो ख लिखने के बाद क्या करते हैं, ये ऊपर में जो लाइनिंग जो देते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष रेखा। इस शीर्ष रेखा अगर हम किसी भी अक्षर या वर्ण को या जब हम देते हैं तो उस अक्षर या वर्ण की जो लिखावट जो मतलब कि जो देखने में जो हमें काफ़ी जो है अच्छा लगता है, इस तरीका से जो है आप अपने राइटिंग को जो है सुधार करेंगे, इसी प्रकार से जो है आप इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क ख, उसके आगे ग, तो ग लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग शीर्ष रेखा देंगे, आगे घ। इसी प्रकार जो है आप अपने हिंदी की डबल लाइन वाली कॉपी में जो है अपने राइटिंग को जो है लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।